अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ पोर्ट ग्रैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोमोज लवर ने पार्टिसिपेट किया है बंस रोड नाइट फूड फेस्टिवल में, जो हो रहा है पोर्ट ग्रैंड में, और 14 से 16 जुलाई तक। तो आज है फाइनल 16 जुलाई, ये है हमारा मोमोज लवर का स्टॉल। और अपने स्टॉल का विजिट करते हुए मैं थोड़ा सा आगे चली गई थी, टीम हमारी अच्छे से काम कर रही थी, तो भाई आगे ये भाई साहब हमें मिल गए थे जो अकबरी निहारी की आवाज़ें लगा रहे थे। फिर हमारा मूड हुआ स्वीट कॉर्न खाने का, तो भाई ये फ्रोज़न होते हैं, आपने इसको स्टीम करना है। अगर आपका घर में बनाने का मूड है तो आपने इस तरह से बनाना है। स्टीम करने के बाद अपनी पसंद के मसाले मिला सकते हैं, बटर लाजमी मिलाना होता है, आप चाहें तो इसके अंदर पार्मेसन चीज़ जो होती है वो मिला लें, चीज़ पाउडर जिसको कहते हैं, गार्लिक पाउडर हो गया, पेरी पेरी मसाला, तो ये सारे मसाले मिला के आप खा सकते हैं। फिर हमारा मूड हुआ चाय पीने को, चाय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये मीठी थी, आप लोगों को शायद अच्छी लग जाए, 100 रुपये का एक कप था। तो थोड़ा आगे गए, यहाँ पर विजिट करते हुए काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था, ये टर्किश आइसक्रीम। और थोड़ा सा आगे गए तो भाई ये मिकी माउस नाचते हुए नज़र आ गए, पूरे इवेंट में मुझे सबसे अच्छा यही लगा था। और चलिए फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ गया था ये स्मोक बिस्किट, 250 की कीमत थी, 4 पीसेस थे। इसके साथ इन्होंने टूथपिक दी थी और ये था स्पून। टूथपिक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ड्रामेबाजी है। दूसरा ये जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, हाथ से खा लेना, आप ड्रामेबाजियाँ मत करना। और थोड़ा सा मैंने ना क्या करा, नाक से धुआं निकाला, एक्सपीरियंस अच्छा था बट मुझे 250 में महंगा लगा, 4 पीसेस आप लोग क्या कहते हो। और फिर यहाँ पे चलते चलते मैंने पॉपकॉर्न ले लिए थे, पॉपकॉर्न किसके फेवरेट नहीं होते, मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर ये कठपुतली तमाशा हो रहा था। थोड़ा सा आगे गई तो भाई यहाँ पे हमारे फॉलोअर मिल गए, इन्होंने बोला कि आपके मोमोज हमने टेस्ट किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई आप सबका दिल से शुक्रिया मोमोज लवर को पसंद करने का, मोमोज लवर को सपोर्ट करने का। तो इनसे गपशप मारने के बाद मैं फिर थोड़ा सा आगे गई तो वहाँ पर ये कॉन्सर्ट हो रहा था, ये कॉन्सर्ट मैंने इन्जॉय किया और फिर मैं घर आ गई।